10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स। व्हाट इफ आई टेल यू कि इतने सब्सक्राइबर्स मैंने सिर्फ 7 वीडियो से कंप्लीट कर लिए। यस यू आर राइट। इन फैक्ट इस चैनल का मोनेटाइजेशन भी सिर्फ 4 वीडियो से ही ऑन हो गया था। अभी भी इस चैनल पे थाउजेंड्स ऑफ व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स डेली आते हैं। बट द क्वेश्चन इज हाउ। सो आई आस्क माई ऑडियंस। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ आई गॉट 10K सब्सक्राइबर्स विद ओनली 7 वीडियोस। मैंने अपने चैनल के ग्रोथ के रीजंस को मेनली 4 हिस्सों में बांट दिया फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड इन स्ट्रेटजीज को स्मार्टली अप्लाई करके तुम भी अपने चैनल को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो जस्ट लाइक मी। बट बिफोर आई स्टार्ट हियर इज अ क्विक बैक हिस्ट्री ऑफ माय YouTube जर्नी। डिकोडिंग YT मेरा पहला YouTube चैनल नहीं है। इससे पहले भी आई हैव वर्क्ड ऑन अदर चैनल्स एंड मेड ओवर 180 प्लस वीडियोस। अपने प्रीवियस चैनल पे काम करके, YouTube के बारे में आर्टिकल्स पढ़ के एंड बड़े यूट्यूबर्स को एनालाइज करके मुझे YouTube के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। बट देन मेरा जो पुराना चैनल था उसकी पोटेंशियल ऑडियंस बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, तो उस चैनल पे काम करना बिल्कुल भी रिवॉर्डिंग नहीं था बिकॉज ऑफ लेस ग्रोथ। एंड सो आई डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग न्यू एंड ओपन्ड अ चैनल अबाउट YouTube ग्रोथ। नाउ ऑल्दो मैंने ये चैनल क्रिएट तो कर लिया था, बट तभी भी मेरे सामने एक प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रहा था विद 0 सब्सक्राइबर्स, तो स्टार्टिंग से ही हाउ टू गेट मोर व्यूज टाइप की वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरे पास इनिशियल ऑडियंस नहीं थी तो व्यूज जल्दी नहीं आते। और ज्यादातर लोग यही कमेंट करते हैं कि पहले खुद के व्यूज बढ़ा ले एटसेट्रा। एंड देखा जाए तो ये प्रॉब्लम हर न्यू क्रिएटर फेस करता है कि उसके पास अपने नीश में शेयर करने के लिए बहुत कुछ होता है, बट बिकॉज ऑफ लेस फॉलोइंग वो ये नहीं कर पाता। एंड आई वॉज इन द सेम सिचुएशन। मुझे बहुत कुछ शेयर करना था अबाउट यूट्यूब, वीडियो क्रिएशन, थंबनेल्स, एडिटिंग, बट द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू वॉच देम। सो आई यूज स्ट्रेटजी नंबर 1, ट्रेंड जैकिंग। Trend jacking is the act of capitalizing on an existing trend, example a topic slash YouTuber, in order to boost your own views on YouTube. Basically it means कि तुम्हारी खुद की कोई ऑडियंस नहीं है, तो तुम किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाओ जिसमें पहले से लोगों को इंटरेस्ट है, and hence उन लोगों को अपने ऑडियंस में कन्वर्ट कर लो। The topic could be a big YouTuber in your niche, a new product, a trending news, and literally कुछ भी जो तुम्हारे niche में popular है। अगर तुम बड़े YouTubers को भी देखोगे तो you will see that even they have used trend jacking at some point. फॉर example, पॉपुलर Minecraft यूट्यूबर ड्रीम, जिसने अपनी इनिशियल ऑडियंस गैदर करने के लिए PewDiePie के Minecraft सीट से रिलेटेड वीडियो बनाया एंड इट went viral even though ड्रीम का चैनल ऑलमोस्ट डेड था। एंड सो मुझे पता था कि कोई और टाइप की वीडियो बनाऊंगा तो ग्रोथ होने में लिटरली वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं। एंड सो आई वेंट फॉर द शॉर्टकट। आई डिसाइडेड कि मैं अपना पहला वीडियो एल्ग्रो के ऊपर बनाऊंगा, हु इज अनदर वेल नोन क्रिएटर इन माय नीश। इसका फायदा ये था कि एल्ग्रो के ऑलरेडी 400,000 सब्सक्राइबर्स हैं, विच मीन्स द कीवर्ड एल्ग्रो इज अ टॉपिक ऑफ हाई इंटरेस्ट। तो जो लोग भी एल्ग्रो की वीडियो या एल्ग्रो से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अपलोड करने के सिर्फ 7 दिनों बाद उस वीडियो के व्यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे। नाउ ऑफ कोर्स एक वीडियो से ऑडियंस बिल्ड नहीं होती है, सो आई एंडेड अप पोस्टिंग 2 मोर सच वीडियोस और वो दोनों भी पॉपुलर क्रिएटर्स के अराउंड ही थे। विद टाइम दीज वीडियो गॉट व्यूज एंड इनके मदद से मेरे अप्रॉक्स 5K सब्स हो गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ट्रेंड जैकिंग का मतलब है फ्री व्यूज? क्योंकि बड़े क्रिएटर्स या किसी ट्रेंड पे वीडियो बनाना इज नॉट अ वेरी हार्ड टास्क। बहुत लोग बना रहे हैं, बट क्या सबके व्यूज आते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज जब तक तुम बाकी चीजों को ठीक नहीं करोगे व्यूज कभी नहीं आएंगे। Which brings me to strategy number 2, captivating thumbnails. It's not wrong to say कि इस चैनल की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन इसके thumbnails हैं। YouTube वीडियो को रैंक करते वक्त मेनली 2 फैक्टर्स को देखता है, जिसमें से एक है CTR, which to a great extent depends on your thumbnail. अब ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि इतना CTR है तो वीडियो वायरल हो जाएगा, बट YouTube पे मैक्सिमम चैनल्स का CTR 2-10% के बीच में ही होता है। एंड आई रिमेम्बर कि मेरे इन तीनों वीडियोस का CTR इनिशियली बहुत हाई था, स्पेशली इस वीडियो का तो शायद 2 हफ्तों तक 11% के ऊपर ही था। So the question is how to make a good thumbnail and get high CTR. अब thumbnail के ऊपर full video जल्द आएगी, but अभी के लिए let me give you some important rules to make your thumbnails better. Example के लिए मनोज देवाली ये video को ले लो। अब अगर मैं इसका thumbnail ऐसा बनाता तो शायद ही इसका CTR high होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे mistakes हैं। So let's fix them. Rule number 1, remove any useless elements. लोगों का attention span वैसे ही बहुत कम होता है, so you don't want to distract them. इसलिए बेकार चीजों को remove कर दो जो thumbnail में कोई value add नहीं कर रहे हैं। इससे thumbnail में clarity भी आएगी and it will look visually appealing. Rule number 2, use the right colors and fonts. तो सबसे पहले फॉन्ट सही रखो वीडियो के हिसाब से। इस थंबनेल में कोई टेक्स्ट नहीं है, बट अगर होता तो मैं इस टाइप के किसी बोल्ड सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज करता। कलर्स की बात करें तो मोस्ट केसेस में यू विल हैव टू यूज ब्राइट कलर्स जो स्क्रीन पे पॉप करें एंड होम पेज पे अटेंशन ग्रैब करें। एंड रूल नंबर 3, कीप इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फोकस। इस थंबनेल का मेन फोकस होना चाहिए मनोज दे, सो मैं इस PNG को बड़ा कर दूंगा टू ड्रॉ अटेंशन एंड बाकी एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे इन द राइट प्रोपोर्शन। और अब ये थंबनेल पहले से बहुत ज्यादा क्लिकेबल हो चुका है। अगेन ये थंबनेल्स बनाने का सिर्फ बेसिक 10% था, बिकॉज देयर सो मच एल्स यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक अ ग्रेट थंबनेल, तो इस पे सेपरेट वीडियो जल्द आएगी। ओके, सो लोगों से क्लिक तो करवा लिया, नाउ आई हैड टू कीप देम वॉचिंग, विच ब्रिंग्स मी टू स्ट्रेटजी नंबर 3,
एडिटिंग एंड वॉइस ओवर। सो स्टार्टिंग से ही मेरे वीडियोस के मैक्सिमम कमेंट्स एडिटिंग के बारे में ही होते हैं। बहुत लोग चैनल सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब कर देते हैं बिकॉज दे लाइक द एडिटिंग, विच कुड बी अ रीजन वाई मेरे वीडियोस का व्यू टू सब रेशियो बहुत हाई रहता है। व्यू टू सब रेशियो मतलब जितने भी लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं उसमें से कितने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और ये भी वायरल होने के लिए एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है बिकॉज इससे एल्गोरिदम तुम्हारे व्यूज का सेटिस्फेक्शन रेट डायरेक्टली मेजर कर सकता है। इसके अलावा अच्छी एडिटिंग का एक और फायदा है हायर ऑडियंस रिटेंशन, जो कि YouTube के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वाइल रैंकिंग वीडियोस। बिकॉज ऑफ कोर्स एक सिंपल सी 5 मिनट लॉन्ग फेस कैम वीडियो जिसमें एक आदमी स्क्रीन पे आके YouTube टिप्स दे रहा है, उससे कई ज्यादा एंगेजिंग एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें स्क्रीन पे एलिमेंट्स, टेक्स्ट और साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं अपनी वीडियोस एडिट करते समय कुछ मेन चीजों का ध्यान रखता हूँ, लाइक आई यूज एप्रोप्रिएट विजुअल्स। तुम देखोगे कि स्क्रीन पे जो भी क्लिप्स आते हैं वो वीडियो में मैं जो बोलता हूँ उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट नहीं कर पाते तो वीडियो में रहता है कि देयर इज अ गर्ल हु इज ट्राइंग टू राइट समथिंग बट उसे आइडियाज नहीं मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं कुछ सोचने की बात कर रहा हूँ तो वैसा ही क्लिप आ जाता है। इस टाइप से क्लिप्स यूज करने से तुम्हारी विजुअल स्टोरी टेलिंग में बहुत हेल्प होगी। ऑल्सो अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए एलिमेंट्स का यूज करता हूँ, विच मेक्स दीज वीडियोज रियली एंगेजिंग। एंड फाइनली मैं एलिमेंट्स और टेक्स्ट के साथ एप्रोप्रिएट साउंड इफेक्ट्स यूज करता हूँ अलॉन्ग विद अ क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस ओवर। सो अगर तुम्हें ऐसी एडिटिंग को डिटेल में सीखना है तो ये वीडियो देख लेना, सब एक्सप्लेन कर दिया है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, क्रिएटिंग बिंज वॉच सेशंस। ओके, सो इस चैनल की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पीपल बिंज वॉच इट्स वीडियोस। मतलब लोग अगर चैनल पे आते हैं तो सिर्फ एक नहीं बट मल्टीपल वीडियोस देखते हैं, विच इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर यूट्यूब। इसे ऐसे समझो, YouTube का मेन पर्पस है व्यूअर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बनाए रखना ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वीडियोस एंड हेंस ज्यादा एड्स दिखा सके। तो अगर कोई व्यूअर मेरे चैनल की सिर्फ एक नहीं बट मल्टीपल वीडियोस देखता है, भले ही वो हर वीडियो को पूरा नहीं भी देख रहा है, तभी भी दिस इज अ ग्रेट सिग्नल फॉर यूट्यूब बिकॉज तुम्हारे चैनल की वीडियोस यूट्यूब को अपने गोल्स को अचीव करने में मदद कर रही है। और इसका फायदा, यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को और ज्यादा प्रमोट करेगा। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअल वीडियोस का वॉच टाइम तो मैटर करता ही है बट साथ में सेशन वॉच टाइम यानी जो ओवरऑल वॉच टाइम है विच अ व्यूअर स्पेंड्स ऑन योर चैनल वो भी बहुत मैटर करता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, सेशन वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं? वेल, देयर आर टू मेथड्स। नंबर 1, यूज प्लेलिस्ट्स। तुम अपने सिमिलर वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में डाल सकते हो। इससे अगर व्यूअर को तुम्हारे चैनल का कोई कैटेगरी पसंद आता है तो वो उस कैटेगरी की और वीडियोस को बिंज वॉच कर सकता है। नंबर 2 एंड माय फेवरेट, एंड स्क्रीन्स। सो इफ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस चैनल तुम्हें पता होगा हाउ मच आई एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड स्क्रीन्स। लाइक इस वीडियो को तो अराउंड 4K व्यूज एंड स्क्रीन से ही मिल गए। हाउ? आई सिंपली गिव व्यूअर्स अ रीजन टू क्लिक ऑन माई एंड स्क्रीन। लाइक अगर वीडियो 5 मिस्टेक्स के बारे में है जो यूट्यूबर्स करते हैं तो उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा 6 मिस्टेक भी ऐड कर दिया है लाइक अ बोनस, और उसको जानने के लिए बोल दिया कि एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। एंड ऐसा मैं ऑलमोस्ट अपने सभी वीडियोस पे करता हूँ। और इसका फायदा ये होता है कि तुम व्यूअर को अपना कंटेंट बिंज वॉच करवा रहे हो जिससे तुम्हारा ओवरऑल वॉच टाइम बढ़ेगा। बट रिमेंबर कि व्यूअर्स को अपना कंटेंट बिंज वॉच करवाने के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक तुम्हारे चैनल के सभी वीडियोस सेम नीश में होने चाहिए। अगर 2 वीडियोस यूट्यूब के बारे में है एंड तीसरी वाली स्मार्टफोन रिव्यू है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नीश को जितना हो सके क्लियरली डिफाइन कर लो। उसके बाद ट्राई करो कि थंबनेल ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंट हो, क्योंकि जब YouTube तुम्हारी कोई और वीडियो व्यूअर को रिकमेंड करेगा लाइक इन सजेस्टेड, होम पेज एटसेट्रा, तो उन्हें पता भी लगना चाहिए कि वो तुम्हारी वीडियो है, राइट? तो ये मत भूलना। ओके, सो यहाँ तक आ गए हो तो लेट मी टेल यू कि कुछ बिगनर मिस्टेक्स हैं जो हर यूट्यूबर स्टार्टिंग में करता है, और इन मिस्टेक्स को लाइक तुम्हें अवॉइड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये जो 4-5 स्ट्रेटजीज मैंने इस वीडियो में बताया है उसका कोई फायदा नहीं। तो अगर इन मिस्टेक्स को जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और मेरी जैसी एडिटिंग सीखना है तो राइट वाली वीडियो देख लो। तुमसे वही मिलूंगा, बाय।